तो उनको कम से कम वही हम लोग चाहते हैं कि भाई जो आप लोग जगह जो सेलेक्ट किए हुए हैं धरना स्थल का वहीं लोग चला जाए। हाँ तो वही शांतिपुर तो हम लोग फिर लेकर के छोड़ देंगे ना इन लोगों को। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर बिहार से, जहां पर तेजस्वी यादव ने अलग ही लाइन लेंथ ले ली है। आपको बता दें कि बिहार में 94,000 के आसपास में वैसे अभ्यर्थी जो लगातार सरकार पर नियोजन को लेकर के दबाव बना रहे हैं कि उनका नियोजन जल्द हो, नियोजित शिक्षकों की जो प्रक्रिया है उसमें सरकार की सुस्ती पर गुस्से में हैं ये तमाम अभ्यर्थी और उनके समर्थन में खुलकर के आ गए हैं तेजस्वी यादव। आपको बताएं कि बीते सोमवार के दिन पटना के गर्दनी बाग, जो कि धरना स्थल के तौर पर जाना जाता है, वहां पर इनके तमाम तंबू पंडाल को जबरदस्ती हटा दिया गया, उनके किचन को तोड़ दिया गया। इन तमाम चीजों के बाद में तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद आज इको पार्क में तेजस्वी यादव इनके समर्थन में पहुंच गए। खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव ने इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए सीधे डीजीपी को फोन लगा दिया। डीजीपी से बात करके कहा है तेजस्वी यादव ने कि इन तमाम लोगों के लिए गर्दनी बाग में जगह जो है वो एलोकेट की जाए ताकि वो धरना प्रदर्शन कर पाए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। जगह तो मिल गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने किस तरीके से बिहार के डीजीपी से सबके सामने की बात, सुनिए इस पूरे वीडियो में। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ। साहब से बात करा दीजिए, डीजीपी साहब से। मैंने जल्दी कॉल बैक करवाइएगा, थोड़ा अर्जेंट इशू। लोगों का ये था कि हम लोग डीएम साहब से भी बात हुई है, इको पार्क में ही अभी लोग बैठ गए हैं, गर्दनी बाग से भगाया होगा लोग, तो हम भी यही आए बैठे। ये बैठे लोग खाली चाहता कि गर्दनी बाग बैठ करके अपना शांतिपूर्ण ढंग से धरना करें। हम डीएम साहब से बात किए, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किए हैं और डीएम साहब को हम इनका ऑर्डर का कॉपी भी भेज रहे हैं, इन लोगों का जो आवेदन है वो भी भेज रहे हैं। तो कम से कम अभी भी सुनने में आ रहा है कि अभी विकलांग लोगों को भी लाठीचार्ज वहाँ किया गया है, तो हम चाह रहे हैं कि नहीं तो ये लोग बोल रहा है कि हमको भी बैठे नहीं है इको पार्क, तो दिक्कत हो जाएगा। सब लोग यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं, तो इनको कम से कम वहीं हम लोग चाहते हैं कि भाई जो आप लोग जगह जो सेलेक्ट किए हुए हैं धरना स्थल का वहीं लोग चला जाए। हाँ तो वही शांतिपुर तो हम लोग फिर लेकर के छोड़ देंगे ना इन लोगों को। हाँ नहीं, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, लोग हैं, महिला बड़ी संख्या में है। हम ये लोगों की जो मांग है कि अभी लोग जाएंगे, इन लोगों को आंदोलन करना है, आंदोलन के लिए जगह तय है और ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है। आप रहिएगा साथ में, जंतर मंतर में भी आंदोलन होते हैं, अनिश्चितकालीन तक होती है दिल्ली में, लेकिन ऐसा तो नहीं देखा कि जो जगह सरकार ने ही तय किया है वहीं से लोगों को आंदोलनकारियों को भगाया जा रहा मार करके। डीएम साहब नहीं पहचान रहे थे क्या? कोई पहचाने ना पहचाने इससे क्या लेना देना? कोई बदतमीजी भी हुई आपके साथ? नहीं नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, उससे क्या लेना देना, भैया काम हो जाए और क्या। आप साथ चलिए।